हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं शिक्षा वृत्ति जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, लेकिन आज का वीडियो थैंक्स के रूप में है। हमारे श्री रंजीत गौड़ जी और जमीनी स्तर की टीम का संघर्ष कामयाब रहा। दोस्तों, आखिरकार शिक्षक भर्ती की चयन सूची में हो रही नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई गई। सभी साथियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो कि ज्वाइनिंग नहीं हुई है उन्हें मौका दिया जाए, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उन्हें दोबारा से मौका दिया जाएगा, तो फिर जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है उनकी नियुक्ति कभी भी नहीं हो पाई। विभाग ने ये बात मान ली है और पोर्टल पे इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, चयनित अभ्यर्थी सूची जारी की जा रही है। इस चयन सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश पूर्व में स्कूल शिक्षा या जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी किए जा चुके हैं, अतः उन्हें शाला के विकल्प का चयन का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ये 28/8/2018 के आदेश में पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जो कि विभाग को बताया गया और मांग की गई दोस्तों। तो आप सभी की सहयोग से ये बात मान ली गई है। अब नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लग गई है, जिससे कि जिन्हें जॉब नहीं मिली है उन्हें मिलेगी दोस्तों। अब जो भी पोस्ट खाली रहेंगी, क्योंकि इसमें वो नाम भी शामिल हो गए हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल गई है, अब उनकी पोस्ट खाली रहती है तो वो थर्ड काउंसलिंग दोस्तों, यानी थर्ड काउंसलिंग नहीं, हम तीसरी लिस्ट भी कह सकते हैं, थर्ड काउंसलिंग भी कह सकते हैं, उनमें उन लोगों के भी नाम आ जाएंगे जिनके नाम अभी नहीं आए हैं। पद वृद्धि की मुहिम दोस्तों लगातार जारी रहेगी, जिससे कि उपेक्षित विषय को भी सम्मान मिले और सभी सब्जेक्टों के पद बढ़ें दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग मिल सके। यहाँ पर जिन लोगों की पहली ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों, आप भी इस बात को मानेंगे कि जब इंसान भूखा हो तो उसे सूखी रोटी भी मिल जाए तो उसके लिए अमृत का काम करती है, लेकिन वही इंसान जब उसका पेट भर जाता है तो वो डिमांड करने लगता है कि मुझे तो पकवान चाहिए, मुझे तो ऐसा भोजन चाहिए, यानी कि सूखी रोटी का फिर उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपकी ज्वाइनिंग कहीं हो गई है तो अपने आप को भाग्यशाली समझें, किस्मत वाले समझें कि आपके पास एक जॉब है, उन लोगों की अपेक्षा जिनका अभी तक नाम नहीं आया है, या नाम आया है तो उनकी नियुक्ति लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया क्योंकि नामों की पुनरावृत्ति हो रही है, और यही मांग की गई थी दोस्तों। और आप सभी लोगों के लिए भी मांग की जाएगी कि जो जनजाति विभाग में हैं उन्हें ऐसी नीति बनाई जाए कि वो ट्रांसफ़र ले सकें अपनी इच्छा से, क्योंकि जनजाति विभागों को भी अच्छे टीचर्स की आवश्यकता है, आप जैसे शिक्षकों की आवश्यकता है। यदि आप उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है अच्छे टीचरों की वो जनजाति विभाग में ही है, क्योंकि जनजाति विभाग के जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, और आप जैसे उन्हें शिक्षक मिलेंगे दोस्तों तो उनका भी भविष्य संवर जाएगा, जैसे कि आज आपका भविष्य संवर है ज्वाइनिंग लेकर दोस्तों, क्योंकि आपने अपने टैलेंट के आधार पर ये ज्वाइनिंग प्राप्त की है। वही टैलेंटेड लोग आपको और खड़े करने हैं अपने ही जैसे। तो एक जनजाति विभाग आपके पास मौका है, सुनहरा मौका, कि वहाँ पर आप कुछ बेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड काउंसलिंग में उन लोगों के नाम जरूर शामिल होंगे दोस्तों, क्योंकि नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लग गई है। तो एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई है कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। अब सेकंड ये है कि पदों में वृद्धि, और उसके लिए हमारी जमीनी स्तर की टीम और श्री रंजीत गौर जी लगातार संघर्ष करते रहेंगे दोस्तों, आप सभी के सहयोग से। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और दिल से धन्यवाद, और आगे की जो मुहिम आए प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।